जेएलएन अस्पताल में मिलेगा 10 रुपए में भोजन, लोगों को रहेगी दोनों टाइम भोजन की सुविधा। मंत्री देवनानी और मेयर गहलोत ने किया शुभारंभ। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अक्षय कलेवा योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए केवल 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि इस योजना से लोगों को न सिर्फ किफायती दर पर भोजन मिलेगा बल्कि बाहर की चीजों से भी लोग बच सकेंगे। कार्यक्रम में जेएलएन अस्पताल के अधिकारी भी उपस्थित थे। जो सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय का जो सोच है, उसके अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति को, हर आवश्यकता वाले को 2 समय का भोजन जिसको मिले, उसके तहत अक्षय पात्र ने प्रारंभ में कुछ स्कूलों में शुरू किया है। आज इस योजना में हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज हैं, जो अटेंडेंट हैं उनके, उनको एक पूरी हाइजीन के तहत एक अच्छा भोजन मिलेगा। उसको अक्षय पात्र ने यहाँ एक योजना शुरू की है जिसके तहत 10 रुपये में हर व्यक्ति को 5 चपाती, सब्जी, उसे सांभर हो सकता है, दाल हो सकती है, खिचड़ी, ये हर दिन का अलग अलग मेन्यू होगा जो यहाँ नोटिस बोर्ड पर लगा रहेगा, उसके तहत जो है यहाँ पर उसको भोजन मिलेगा और वह आराम से भोजन करके और यहाँ से अपने जिस तनाव में आता है अपने मरीज के, उससे जो तनाव मुक्त रह करके अपने मरीज की सेवा कर सके और मरीज के लिए भी आवश्यकता हो तो यहाँ से उसे भोजन कितना मिल सकेगा। ऐसी अनूठी योजना यहाँ के नगर निगम ने शुरू की है जो 10 रुपये में लोगों से लेंगे, 8 रुपये इस नगर निगम अपने कोष में से दिलाएगा और बाकी अक्षय पात्र उसमें जोड़ेगा। ये तो तीनों के सहयोग से योजना चलेगी जिससे अस्पताल में आने वाले सब मरीजों को समय सुबह और शाम का भोजन सकेगा। मैं समझता हूँ कि इस योजना से अजमेर संभाग के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें कुछ आवश्यकताएं थी जिसको आज मैंने कलेक्टर साहब के आग्रह और मेयर साहब के आग्रह पर ये जो शेड है, इस पूरे को हम शेड भी बनवाएंगे और यहाँ पे एक वाटर कूलर और वाश बेसिन भी लगवाएंगे ताकि लोगों को पूरी सुविधा मिल सके।